very much for the time provided. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. इस बजट में का समर्थन करते हुए आजादी के बाद भारत में मोदी जी की पहली ऐसी सरकार ने जिस देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है. किसी भी गांव शहर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो. इस बजट में 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट रखा गया माननीय सभापति महोदय. और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का री इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो उसका प्रभाव 2.5 गुना पड़ता है. अर्थात 10 लाख करोड़ का सरकार का कैपिटल इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में 25 लाख करोड़ का होगा. ये है मोदी जी की सोच. माननीय सभापति महोदय, कैपिटल खर्च की बात करें तो राज्यों को 50 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है. मोदी सरकार राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है माननीय सभापति महोदय. अगर कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मोदी सरकार ने न केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया बल्कि उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण किया, केदारनाथ में मंदिर का विकास किया. यही नहीं, भारत के कण कण में बसने वाले भगवान राम के विशाल मंदिर राम जन्मभूमि का भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है. यदि हम बात करें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकार ने हर राज्य में एम्स हॉस्पिटल की भी स्थापना की है. यही नहीं, हर जिले में मेडिकल अस्पताल और हर जिले में मेडिकल कॉलेज और इसके साथ साथ इस बजट में हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात कही गई है और मेडिकल कॉलेज की सीटें भी बढ़ाई गई है. अगर फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो जहां पहले विदेशों से हम दवाई मंगाते थे छोटी छोटी दवाइयां, आज ये स्थिति हो गई कि हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ये है माध्यम मोदी सरकार का बजट. यही नहीं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इक्विपमेंट लगते हैं पहले हम अन्य देशों पर निर्भर किया हुआ करते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी है कि हम अब इक्विपमेंट खुद बनाते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं. दूसरा, इस बजट में यूनिटी मॉल का प्रावधान किया गया है. हर राज्य की अपनी वस्तुएं हैं और खास करके शिल्पकारों को बिक्री के लिए एक अच्छी सुविधा हर राज्य को दी गई है, उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ. सभापति महोदय, स्वच्छता की बात करें, अगर एक समय था जब लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात की थी तो हमारे विपक्षी लोग हंस रहे थे. मैं इंदौर से आता हूं और उस समय मैं भाई पार्षद के रूप में काम करता था. मैंने इंदौर का उदाहरण बता रहा हूं. इंदौर में सभी पूरे गली मोहल्ले में कचरा फैला करता था, जानवर उस कचरे के ढेर के आसपास हुआ करते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी और इंदौर की देवतुल्य जनता ने मिलकर लगातार 6 बार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया का अवार्ड माननीय मोदी जी के आह्वान पर दिया. पूरे विश्व में इंदौर का नाम इज्जत और गर्व साथ लिया जाता है. इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार आह्वान और हमारे देवतुल्य इंदौर की जनता को जाता है. माननीय सभापति महोदय, इस स्वच्छता के कारण जो एक सर्वे आया था कि इंदौर में बीमारियां कम हुई है, दवाइयों की बिक्री कम हुई है. यही नहीं, कचरे से कंचन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, गोबर धन के माध्यम से सीएनजी का उत्पादन एशिया का सबसे बड़ा प्लांट हमारे इंदौर में ही लगा है. इससे एक और इसके साथ कार्बन क्रेडिट जो है उससे 10 करोड़ रुपए हम इंदौर नगर निगम कमा रहे हैं. पोल्यूशन कम हुआ, एयर क्वालिटी अच्छी हुई है. यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के ग्रीन एनर्जी के उसमें ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड आने वाले दिनों में नगर निगम लॉन्च करिए, जो देश का पहला नगर निगम होगा. अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में मध्य प्रदेश को भरपूर राशि मिली है और हमारे इंदौर को 1,800 करोड़ रुपए मिले नए रेलवे स्टेशन के लिए, मिले रीडेवलपमेंट के लिए. मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इंदौर से वंदे मातरम एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों की जो मांग की गई है उसको शीघ्र पूरा करें. यही नहीं, अगर हम सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसमें भरपूर राशि मिली गई है और हमारे इंदौर में 5,500 करोड़ के काम चल रहे हैं. फिर भी मैं माननीय रेल सड़क मंत्री से ये निवेदन करूंगा कि हमारे इंदौर में पश्चिम बाईपास और आउटर रिंग रोड होना चाहिए और केबल कार भी होनी चाहिए. एयरपोर्ट की बात करें, आजादी के बाद 70 में जितने एयरपोर्ट नहीं बने उतने 9 वर्षों में बने और 50 एयरपोर्ट का इस बजट में प्रावधान किया गया है. माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में घूमना चाहिए. वो आह्वान जो है हम देख रहे हैं कि हमारे गांव के लोग भी आजकल हवाई जहाज में घूम रहे हैं. मैं एयरपोर्ट के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इंदौर में इंटरनेशनल फ्लाइट तो उड़ती है लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनना चाहिए. और अंत में मैं माँ अहिल्या की नगरी से आता हूँ. एक
अंत में मैं माँ अहिल्या की नगरी से आता हूँ। जिस प्रकार हर समय माता अहिल्या के शासन में कोई भूखा नहीं सोता था, उसी प्रकार कोविड में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में कोई भूखा न सोया। माँ अहिल्या हमेशा गरीब वंचित शोषित का उत्थान करती थी, उसी प्रकार माननीय मोदी जी भी उसी प्रकार उत्थान कर रहे हैं। कर्म ही जिसकी पूजा है, इसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अमृतकाल का आने वाले राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाएगा।